दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक खबर है कि ट्विटर यानी एक्स ने मोदी सरकार को अंगूठा दिखा दिया है। एक्स का कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि जो किसान आंदोलन से संबंधित खबरें फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को रोक दिया जाए, उसमें कोई व्यवधान पैदा किया जाए। हम जवाबदेही में, ट्रांसपेरेंसी में, पारदर्शिता में यकीन करते हैं, ऐसा एक्स की तरफ से कहा गया है। तो क्या मोदी सरकार बिल्कुल गला घोंट देना चाहती है, विरोध के लिए कोई मौका नहीं देना चाहती, जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल कूड़े में फेंक दिया गया है? और दूसरी बड़ी बात शरद पवार ने कही है। शरद पवार ने ये तंज कसते हुए, एक चुटकी लेते हुए कहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका कहना है कि जेल में जाने से बेहतर है बीजेपी में चले जाना। जेल जाने से बेहतर है बीजेपी में चले जाना। इससे सारी बीजेपी की नीति, रणनीति सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये बात शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में कही है। तो क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन के बाद अब अरविंद केजरीवाल देश के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जिनको जेल जाना पड़ेगा? हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या यही काम अरविंद केजरीवाल करेंगे या जेल से सरकार चलाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। ये इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आप क्रोनोलॉजी देखिए। अमित शाह जी बार बार क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो क्रोनोलॉजी देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, चंडीगढ़ का मेयर जिस फर्जी तरीके से बीजेपी ने बनाया था, उस फर्जीवाड़े को, उस साजिश को सुप्रीम कोर्ट बेनकाब करता है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो सामूहिक मेयर पद का उम्मीदवार था उसको मेयर घोषित करता है, और वोटों की गिनती भी सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कर लेता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है। इसके बाद नीतीश कुमार, इसके बाद उत्तर प्रदेश में घोषणा होती है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है। इसके तत्काल बाद अरविंद केजरीवाल एक तरह से घोषणा कर देते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली की सीटों को लेकर समझौता हो गया है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस, बदले में गुजरात में भी 2 सीटें आम आदमी पार्टी को, बदले में गोवा, हरियाणा, असम में कोई सी सीट की दावेदारी नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में दोनों पार्टियों ने तय पहले से ही कर रखा है कि फ्रेंडली फाइट होगी, वो आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे ताकि अपोजिशन की स्पेस को श्रिंक कर दिया जाए। अपोजिशन वहां पर किसका है? थोड़ा बहुत बीजेपी, थोड़ा बहुत अकाली दल का, और दोनों के बीच में समझौता होने वाला है नहीं। तो बीजेपी की फांस ये भी है, किसान आंदोलन है, ऐसे में अकाली दल कैसे बीजेपी के साथ जा सकता है? कमलनाथ को लेने की तैयारी हो रही है जिन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में भाग लेने का आरोप है, ऐसे में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ कैसे जा सकता है? फिर पश्चिम बंगाल में एक सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी कह दिया बीजेपी के लोगों ने, ऐसे में अकाली दल कैसे जा सकता है बीजेपी के साथ? तो बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा। जब चीज़ें समझ में नहीं आए तो ईडी को सामने कर दो। ईडी ने एक और सम्मन, पता नहीं अब तो गिनती भी लोग भूल गए हैं, 7वां है या 8वां है 9वां है, सम्मन जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल को, जबकि इससे पहले मामला कोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल कह चुके, वो कोर्ट में वर्चुअल गवाही दी उन्होंने, वर्चुअल प्रेजेंस हुई उनकी, खुद व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंस नहीं थे, VC के जरिए, और उन्होंने कह दिया कि अभी दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है जो मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा, खत्म होगा, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसे में वो 16 मार्च को खुद ही पेश हो जाएंगे। तो इतना सब्र क्यों नहीं है ईडी को, या सिर्फ ये तंग करने की चाल है? कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ में से करीब 60 करोड़ 62 करोड़ निकाल लिए जाते हैं, जिसमें से 65 करोड़ शायद 5 करोड़ NSUI और युवक कांग्रेस के थे, और बाकी 60 करोड़ 25 लाख रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। उससे पहले चुनावी बॉन्ड की योजना को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है और सीधा सीधा एक तरह से इशारा करता है कि इससे काले धन को सफ़ेद किया जा रहा था, इसमें क्विड प्रो था, यानी जो इसमें पैसा दे रहा था चंदे के माध्यम से, उसको बदले में कुछ ना कुछ हासिल हो रहा था, इस संभावना से सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें अब कहाँ जाती हुई दिख रही हैं।
क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट नए सिरे से खड़ा हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी नए सिरे से चिंतित हो गई है। उनको लगा कि बड़ी मेहनत की महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना तोड़ी, बड़ी मेहनत की एनसीपी को तोड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत की, नीतीश कुमार को तोड़ दिया। नीतीश कुमार के बाद तो उनको लगा कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की जो इमारत है भरभरा के गिर जाएगी, नहीं भी गिरी तो चैनलों ने तो कम से कम गोदी मोदी मीडिया चैनलों की नज़र में तो भरभरा कर गिर ही गई थी वो इमारत। ममता बनर्जी ने सहयोग किया ये कह के कि कांग्रेस 40 पर अटक जाएगी, हम दो से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कह दिया कि वो ना बीजेपी के साथ होगी ना वो इंडिया के साथ होगी। स्वाभाविक तौर पर ये मतलब ये था कि हम इंडिया के साथ नहीं होंगे, पर्दे के पीछे से हमारी वजह से अगर एनडीए को यानी बीजेपी को कोई फ़ायदा हो सकता है तो उठा ले फ़ायदा। फारूक अब्दुल्ला अलग हो गए, महबूबा मुफ्ती, कुल मिलाकर 3 सीटें हैं भाई साहब कश्मीर घाटी में, 3 सीटें हैं, एक कश्मीर है, एक अनंतनाग है और एक और बड़गाम है या कुछ और है, सिर्फ 3 सीटें हैं। और उसमें भी दो बड़ी पार्टियां वहां की जो रीजनल पार्टियां हैं वो उन्होंने कह दिया कि हम अपने हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये हो क्या रहा था और अचानक कहानी घूमती है, अचानक वही अखिलेश यादव, एक फ़ोन का कमाल होता है, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने सेतु का काम किया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात कराई, अखिलेश 63 पर, राहुल गांधी की पार्टी 17 पर चुनाव लड़ेगी। अचानक से पता लगता है कि रायबरेली और अमेठी में जो भीड़ उमड़ी है उससे परेशान है स्मृति ईरानी। अचानक से अरविंद केजरीवाल सामने आ जाते हैं, अचानक से पता लगता है कि कमलनाथ और उनके बेटे की एंट्री अटक गई है, अचानक से पता लगता है कि जयंत चौधरी को लेकर भी समझौता तो हो गया है लेकिन सीट शेयरिंग पर कुछ बात सहमति व्यक्त नहीं हो पा रही है। शरद पवार कह देते हैं कि महाराष्ट्र की 48 में से 39 सीटों पर सीट शेयरिंग तय हो गई है, यानी शरद पवार का जो बची खुची एनसीपी पार्टी है, उद्धव ठाकरे के हिस्से वाली शिवसेना है और कांग्रेस के बीच में, और बाकी जो 9 सीटें बची हैं उस पर भी जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। शरद पवार की बात से हमने शुरुआत की थी तो उन्हीं की बात से खत्म करेंगे, जो उनका कहना है कि या तो आप बीजेपी की बात मान लो या फिर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापों के लिए तैयार हो जाओ और फिर उसके उस बहाने आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। आखिर उनके भतीजे भी तो गए ईडी के डर से, उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी तो बीजेपी में चले गए, एकनाथ शिंदे के लिए भी यही कहा जाता है। तो शरद पवार ने ये जो बड़ी बात कही है ये आज की राजनीति का एक बहुत बड़ा सच कह दिया है उन्होंने कि जेल जाने से बेहतर है बीजेपी में चले जाना। हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि ये आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभी राजस्थान में कहा कि आप लोग सोच रहे हैं हर कोई बीजेपी में आ रहा है लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति के अनुसार चलेगा वही टिकेगा, बाकी कोई टिकेगा नहीं। और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं कार्यकर्ता 25-25 साल से हमारे साथ हैं, आपको कुछ नहीं मिला तो नए आने वाले लोगों को क्या मिल जाएगा, लेकिन शरण तो मिल ही जाएगी। और उनको कुछ नहीं मिला नेल जो पार्टी में आए, लेकिन जिस पार्टी से आए उसका तो नुकसान करके जाएंगे तो उसका भी तो फायदा बीजेपी को परोक्ष रूप से मिल ही रहा है या मिल ही जाएगा, ये भी कुछ बड़े सवाल अपने आप में उठते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।